सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमूल के जो जाफराबादी बुल्स हैं उनके बारे में। गिर बुल्स जो हैं अमूल के, उनके बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में जानकारी दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही सीमेंट स्टेशन के जो बुल्स हैं उनके बारे में जानकारी आपको देता रहता हूँ। वैसे अमूल में सिर्फ गिर और जाफराबादी के बुल्स ही नहीं है, क्रॉस ब्रीड HF हो, प्योर ब्रीड HF हो, फिर जर्सी गायें हैं, और साहिवाल है, थरपाकर है, भैंसों में मुराह भी है, ऐसे कई सारी नस्लें जो हैं उनके बुल्स जो है वो अमूल वालों ने खरीद कर रखे हैं और उनके सीमेंट जो है वो सप्लाई करते आ रहे हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो जो है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा बुल है वो है 705 नंबर का बुल। वैसे 705 से लेकर 709 नंबर के बुल जो है उसकी फोटोग्राफ मैंने यहाँ पर आपको जरूर दिखाई है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट PDF आई है अमूल वालों की उसमें 710 से लेकर 718 नंबर के बुल जो है वही दिखा रहे हैं। इसीलिए शायद 705 से 709 नंबर के जो बुल हैं वो अभी उनके सीमेंट जो है वो अमूल वाले सप्लाई नहीं करते हैं, उनके सीमेंट जो है वो अमूल वाले नहीं बना रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको फोटोज देखने हैं तो ये रहे, सारे ही फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। अमूल के 705 नंबर के बुल की डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो 12/6/2010 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसकी माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो 4120 kg है, 8.5 के आसपास फैट परसेंटेज है, और उसका बाप जो है वो है नागराज CBF, और नागराज जो है उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है 5650 kg। और हाँ, 705 और 6 ये दोनों ही जो बुल हैं उसे CBF जूनागढ़ से ही लिया गया है। और अगला जो बुल है वो है 706 नंबर का जाफराबादी बुल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माफ कर देना क्योंकि इसकी जो HD क्वालिटी की फोटोग्राफ मैंने बहुत ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिल पाई है, और वैसे भी अमूल वाले जो है इसका सीमेंट अभी नहीं बेच रहे हैं। 706 की डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो 705 और 706 दोनों ही भाई हैं। उन दोनों का बाप जो है वो है नागराज CBF जूनागढ़ से ही दोनों को लाया गया था, सिर्फ इन दोनों की माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड है वही अलग है। दोनों का जन्म भी 2010 में ही हुआ है, सिर्फ माँ का मिल्क रिकॉर्ड थोड़ा सा अलग है। ये 706 की जो माँ है वो 3895 kg का मिल्क रिकॉर्ड है। अमूल में 707 नंबर का एक भी जाफराबादी बुल नहीं है, इसीलिए मैं आपको सीधे ही 708 नंबर का बुल दिखा रहा हूँ। और अब है अमूल का 708 नंबर का जाफराबादी बुल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी अच्छा है ये भी। और 708 और 9 ये दोनों जो है उसे वाकानेर साइड से लिया गया है। और डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो 14/7/2016 इसका डेट ऑफ बर्थ है, 5200 इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है, 9.7 परसेंटेज जो है वो इसकी माँ का फैट परसेंटेज है। बाप के बारे में यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं लिखी हुई है, सोर्स में यूनुस भाई वाकानेर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी जानकारी। और अब है 709 नंबर का अमूल का जाफराबादी बुल। मैंने कल भी इसकी फोटो जो है वो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट की थी, आप पहचान गए होंगे इसे, काफ़ी बढ़िया बुल है ये भी। इसे भी वाकानेर साइड से ही लिया गया है। इसकी जो बर्थ डेट है वो है 11/5/2015। इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड 5200 kg है, 8.6% इसकी माँ का फैट है। और बाप के बारे में यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं लिखी हुई है, हीरा भाई वाकानेर से यह जो बुल है उसे खरीदा गया है। बाकी जो सारी डिटेल है मैंने आपको पढ़कर बता दी है। और अब है 710 नंबर का बुल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ से जो सारे ही बुल्स हैं 710 से लेकर 718 तक, वो अमूल की जो लेटेस्ट PDF है उनके बारे में सारी ही जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। 710 नंबर का बुल जो है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है बॉडी स्ट्रक्चर और ब्रीड कैरेक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही में यहाँ पर मैंने गलती से AGR लिखा हुआ, लेकिन सिमेस्ट्रो में अगर आप देखें तो AGBF0710 ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि यही बुल का ID है। 5/10/2016 इस बुल की डेट ऑफ बर्थ है। इसकी माँ का नाम है गांधारी और माँ का मिल्क रिकॉर्ड 6000 kg के आसपास है, और 8.8% फैट भी है। साथ ही में अगर इस बुल का जो बाप है उसके बारे में बात करें तो वो है बहादुर सागवाड़ी भावनगर से, इस बुल को जो है वो अमूल में लाया गया है। और हाँ, अगर आपको अमूल की जो PDF है सारे ही बुल्स के डिटेल्स के बारे में अगर वो चाहिए तो आपको उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकेंगे। और अब है 711 नंबर का बुल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सींग भी इसके काफ़ी बढ़िया है, सीधे ही नीचे की ओर जा रहे हैं। इसे भी सागवाड़ी गौशाला भावनगर से लिया गया है, प्रदीप सिंह बापू के वहाँ से। और डेट ऑफ बर्थ है इसकी 6/11/2016। माँ का नाम है पान भाई, 5400 इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है, 9 के आसपास फैट परसेंटेज भी है। और बाप जो है बाप का नाम है माथाड़ो, सोर्स मैंने अभी आपको बताया, सागवाड़ी भावनगर से लिया गया है। अगला है 712 नंबर का बुल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है ये भी। इसे भी सागवाड़ी गौशाला से लिया गया है, 26/6/2017 इसकी जन्म तारीख है। इसकी माँ का नाम है रेशम, और रेशम का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो है 6000 kg, 8.6% जो है वो इसका फैट है। और इसका बाप है बहादुर,
710 नंबर का जो बुल था वो भी बहादुर का ही बेटा था, इसलिए 710 और 712 जो बुल है वो दोनों ही एक दूसरे के भाई है। और अब अगला जो बुल है वो है 713 नंबर का। बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका, काफ़ी बढ़िया है। 27/9/2016 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। इसकी माँ का नाम यहाँ पर जाफरी लिखा हुआ है। 4000 केजी के आसपास मिल्क रिकॉर्ड है। 8.9% फैट है। और इसका जो बाप है वो है कुंज GLDB। कुंज भी काफ़ी बढ़िया बुल था, GLDB वालों का बुल था। उसके रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया आते थे कुंज के। और जो कुंज है उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है 4244 केजी। इसे आनंद पर से लिया गया है जयंती भाई के पास से। और अब अगला जो हमारा बुल है वो है 714 नंबर का, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अमूल वाले जो है वो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट भी सप्लाई करते हैं, तो 714 नंबर का ये जो बुल है सिर्फ इसी के जाफराबादी में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट आपको अमूल वाले जो है वो सप्लाई करते हैं। अगर आपको चाहिए तो इस बुल के सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो है वो अमूल वाले सप्लाई करते हैं। बाकी 714 नंबर की डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो 14/8/2017 इसका डेट ऑफ बर्थ है। इसकी माँ का आईडी जो है वो टैग नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3600 केजी के आसपास मिल्क रिकॉर्ड है और फैट भी जो है वो 8 के आसपास है। और इसका जो बाप है वो है SAG का 14 नंबर का बुल। आपको आई बटन पर वीडियो शो हो रही होगी, उसमें मैंने SAG के जो पुराने जाफराबादी बुल्स हैं उनके बारे में एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। आप वहाँ पर जाकर SAG के 14 नंबर का बुल का जो फोटो है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और सोर्स के बारे में बात करें तो SAG वालों के पास से ही अमूल वालों ने ये जो बुल है 714 नंबर का उसे खरीदा है। और अब है 715 नंबर का नंदी, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी जो फोटो है वो ख़राब है, लेकिन आप बुल को तो अच्छी तरह से देख ही सकते हैं इस फोटो में। अगर डिटेल के बारे में बात करें तो 11/6/2018 इस बुल का डेट ऑफ बर्थ है। माँ का जो टैग नंबर है वो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और 6800 केजी इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है। 8.9% फैट है। इसका बाप है सूरज और पूज्य विशामण बापूनी जगिया जो है वहाँ पर से इस बुल को लिया गया है। अब है 716 नंबर का बुल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 715 और 16 दोनों ही भाई है एक दूसरे के। 23/9/2018 इसका डेट ऑफ बर्थ है। इसकी माँ का टैग नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6400 इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है। 8.7% फैट है। और इसका बाप भी 15 का बाप है, वही है सूरज, और उसे भी पूज्य विशामण बापूनी जगिया वहाँ से ही लिया गया है। और अगला जो हमारा बुल है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 717 नंबर का बुल है। अमूल वालों ने काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन किया है सभी बुल्स का। 27/2/2018 इस बुल की डेट ऑफ बर्थ है। माँ का टैग नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4597 केजी इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है। 8 के आसपास फैट परसेंटेज भी है। और इसका बाप जो है वो है JF11 नंबर का नदी। मैं ऊपर फिर से आई बटन में वीडियो डाल दूंगा SAG के जो पुराने जाफराबादी बुल्स हैं उनके बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर सभी जो जाफराबादी बुल्स हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल दी है। वहाँ पर आपको JF11 की भी फोटो आपको मिल जाएगी। और 717 नंबर का जो बुल है उसे भी SAG वालों के पास से ही अमूल वालों ने खरीदा है। और अब है अमूल का सबसे लास्ट बुल 718 नंबर का। ये बुल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी कई सारी फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पर डाली हुई है। यह भी काफ़ी बढ़िया बुल है। और डिटेल के बारे में अगर हम बात करें 718 बुल की तो 7/11/2018 इसका डेट ऑफ बर्थ है। माँ का टैग नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3000 केजी के आसपास इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है। 8 के आसपास फैट परसेंटेज भी है। और इसका जो बाप है वो है जाफराबादी 9 नंबर का, SAG का ही है। और इस बुल को जो है वो SAG के पास से ही लिया गया है अमूल वालों ने। तो यहाँ पर मैंने आपको 705 नंबर से लेकर 718 नंबर के सारे ही जो अमूल के जाफराबादी बुल्स हैं उन सभी की मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।